हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा, विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। बेटा, इस वीडियो में हम क्लास 8th में चैप्टर 4th पंच परमेश्वर की पेज नंबर 22 से रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए बेटा। यस देखिए, बिल्कुल लास्ट में हमने छोड़ा था। ये किसकी कहानी है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जो गहरे मित्र थे। यस, लास्ट में छोड़ा था मैंने। धीरे धीरे हाल यह हो गया, यस देखिए, हाल यह हो गया कि जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें भी करती थी। जुम्मन ने क्या किया था? अपनी खाला से सारा जो भी जमीन जायदाद थी धोखे से अपने नाम करा ली थी। तो अब जुम्मन की पत्नी भी उस खाला को गाली देती रोटी देते समय। जैसे करीमन जोर जोर से कहती, बघारी, दाल के बिना रोटियां गले से नहीं उतरती। बघारी होती सब्जी, सब्जी दाल के बिना रोटी नहीं खाई जाती। जितना रुपया इनके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। खाला ने तंग आकर जुम्मन से शिकायत की और अपना चूल्हा अलग करने के लिए रुपए मांगे। किसने? खाला ने। जुम्मन ने कुछ भी देने से इनकार यानी मना कर दिया। हंसकर बोला, हमें क्या पता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। क्यों बोला? क्योंकि मरने का नाम ही नहीं ले रही हो। खाला को क्रोध आ गया। अब क्या हुआ? गुस्सा आ गया उसने। उसे पंचायत की धमकी दी। जुम्मन हंसे और बोले, हाँ हाँ जरूर करो पंचायत। मन ही मन सोच रहे थे कि आसपास के गांव में भला ऐसा कौन है जो उनके खिलाफ मुंह खोलने का साहस करेगा। किसने सोचा? जुम्मन ने, कि सभी लोग तो मेरे पक्ष में ही बोलेंगे, भले ही खाला क्या करे पंचायत बैठा दे। बुढ़िया गांव भर में सबके सामने रोती फिरी। अलगू से जाकर बोली, बेटा तुम भी जरूर आना। अलगू ने कहा, यो आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुँह ना खोलूंगा। यानी आ तो भले ही जाऊंगा पर शांत रहूंगा। तो क्या दोस्ती की खातिर ईमान छोड़ दोगे? क्या कहा खाला ने कि तुम्हारी जुम्मन से दोस्ती है तो क्या तुम सही से इंसाफ नहीं करोगे, न्याय नहीं करोगे? अलगू के कानों में सारी रात खाला के ये शब्द गूंजते रहे, यानी उनके विषय में ही वह सोचता रहा। यस देखिए, अलगू के कानों में सारी रात खाला के शब्द गूंजते रहे। संध्या के समय पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बूढ़ी खाला ने आंसू बहाते हुए कहा, पंचो, 3 साल पहले मेरे भांजे जुम्मन ने रोटी कपड़ा देने का वादा करके सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली। अब न तो पेट भर रोटी खिलाती है और न कपड़ा, न तो रोटी ही मिलती है और न कपड़ा मिलता है। मैं बूढ़ी विधवा औरत किस किस को अपना दुखड़ा सुनाऊं, यानी किसके सामने अपना दुख कहूं? मुझ में कोई ऐब हो तो मुझे बताओ, मैं पंचों का हुक्म सिर माथे लगाऊंगी, यानी पंच जो फैसला लेंगे उसे मैं मानूंगी। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच चुनते हो? जुम्मन को आसपास वही लोग दिखाई पड़े जिनसे उसका कुछ न कुछ मनमुटाव था। वे बोले, खाला जान, जिसे चाहो उसे पंच चुन लो। किस पर छोड़ दिया? खाला पर। क्या आप जिससे भी न्याय करवाएंगी वही मुझे मंजूर है। खाला जान बोली, अरे अल्लाह के बंदे, बता क्यों नहीं देता? पंच किसी के न दोस्त होते हैं न दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो न सही। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। खाला ने किसे बताया? जुम्मन का जो दोस्त था अलगू, उसे ही सरपंच बना दिया। जुम्मन मन ही मन खुश हुआ। क्यों खुश हो रहा था? कि वह तो मेरा मित्र है और मेरे पक्ष में ही फैसला करेगा। अलगू बोला, जुम्मन शेख, अब खाला और तुम हमारी नज़र में बराबर हो। तुम्हें
जो कहना है कहो। जुम्मन को भरोसा हो गया कि अब वही जीतेगा। वह बोला, पंचो यह सच है कि खाला जान की जायदाद 3 साल पहले मेरे नाम की गई थी। मैंने इन्हें खाना कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाह है, मैंने इन्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं इन्हें अपनी माँ की तरह समझता हूँ। इनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर घर की औरतों में ज़रा अनबन रहती है। यानी घर में मेरी पत्नी है और मेरी ये खाला है, इनमें कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब खाला मुझसे अलग होने का अलग खर्च मांग रही हैं। जायदाद कितनी थी यह सब जानते हैं। माहवार खर्च मुझसे न दिया जाएगा। मुझे बस यही कहना है। यस बेटा, क्या कहा उसने कि घर की औरतों में लड़ाई हो जाती है, पर मैं महीने का अगर खाला अलग रहना चाहें तो महीने का खर्च अलग नहीं दे सकता हूँ, इतना पैसा नहीं है मेरे पास में। ओके बेटा, सो नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। तब तक आप इतना समझिए, कमेंट करिए मुझे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, सो बाय बेटा।